चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या, ओनली आउटलाइंस करेंगे, आप नो नीड टू राइट एनीथिंग। इलेक्शंस पंजाब के आने वाले हैं तो आपको ये इसकी प्रॉपर नॉलेज, अगर आप इलेक्शंस के दिनों में न्यूज सुनोगे आपको प्रॉपर नॉलेज वहां से भी मिलेगी, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन and to form government is called political party. What is political party? Group of people that come together to contest election and to form government, that is called political party. So political party, या तो हमारे यहाँ पे party system जो है that is bi-party system, bi-party या फिर हम कहेंगे one party, bi-party, multi-party. हमारी country में multi-party system है। वन पार्टी सिस्टम चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे सिर्फ अकेली है, यू हैव डन इन नाइन्थ क्लास, चाइना की एक ही पार्टी है, बाकी पार्टीज वहां पे पावर में नहीं आती। बाई पार्टी सिस्टम यूके एंड यूएसए में है, देयर आर टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज, वेयर एज इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में तो मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। तो आप भी कल को बड़े होकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बना सकते हो, इंडिया में फ्रीडम है। तो इन इंडिया वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, फिर आपसे पूछा जा सकता है, मैं आउटलाइंस बता रही हूँ इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं करवा रही, तो विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट? तो आपको देखने में लगेगा मल्टी पार्टी, बिकॉज ऑल हैव गिवन चांस, बट ये हम इसमें किसी को बेस्ट नहीं कहेंगे, हमने किसी को बेस्ट नहीं कहना, क्योंकि इंडिया में भी तो क्लैशेज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है तो पार्टीज आपस में ही जोड़ती रहती हैं, एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं। तो हम किसी को बेस्ट, विद वन पार्टी सिस्टम चाइना इज डेवलप नेशन, विद टू पार्टी सिस्टम यूके यूएसए बोथ आर डेवलप नेशन, विद मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया इज डेवलपिंग नेशन। तो हम किसी को भी बेस्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योग्राफिकल एथनिक वेरिएशन ऑफ द कंट्री विच सिस्टम सूट्स इट। हम किसी को बेस्ट नहीं कहेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, पूछा जाता है विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, तो जब बच्चा बिना सोचे बताए तो वो हमेशा कहता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। मल्टी पार्टी सिस्टम को हम बेस्ट नहीं कहेंगे, नो डाउट एवरीवन हैज गिवन चांस, एवरीवन हैज सेन पॉलिटिक्स इन मल्टी पार्टी सिस्टम, बट हम इसको बेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया में बहुत क्लैशेज होते हैं, पार्टीज ब्लेम करती रहती हैं एक दूसरे को। तो इस वजह से फिर हमें पूछा, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, Why do we need political party? क्यों चाहिए हमें political party? अगर पार्टी नहीं होगी तो लोगों की डिमांड गवर्नमेंट तक कौन लेके जाएगा, ठीक है। इट प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पोलिटिकल पार्टीज मस्ट, रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी हमारी। एक तो ये पूछा जाता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं? तो अब ये आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं क्योंकि फाइनल टर्म का, तो इसमें सारे सब्जेक्टिव हैं। फंक्शंस, फंक्शंस में आप यही बता सकते हो, सबसे पहले तो पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, फिर गिव पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन, मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन इट्स फेवर बाय इशूइंग इट्स मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो इज अ बुकलेट इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इलेक्शंस इन विच पार्टी गिव्स इट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मैनीफेस्टो एक बुकलेट की तरह होता है जिसमें पार्टी अपने पॉलिसीज प्रोग्राम्स बताती है कि आफ्टर कमिंग टू पावर वो कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आ रही है, कौन से प्रोग्राम्स वो इंप्लीमेंट करेगी। तो इन दिस वे पार्टी गिव चॉइस टू द वोटर्स, वोटर्स कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ द पार्टी हूज मैनिफेस्टो दे थिंक इज बेटर। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो इशू करती है तो वोटर्स के पास चॉइस आ जाती है, वोटर्स उसी पार्टी की फेवर में वोट डालते हैं जिसका मैनिफेस्टो उन्हें बेस्ट लगता है। तो इन दिस वे वी कैन से पार्टी गिव्स चॉइस टू द वोटर्स, वोटर्स को चॉइस देती है।
पार्टी जो जीत जाती है दैट विंस फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट चलाती है। हमारी कंट्री में ओपोजिशन पार्टी आल्सो प्लेज ग्रेट रोल, इट एक्ट्स एज ए वॉच डॉग। ओपोजिशन पार्टी भी हमारी कंट्री में ग्रेट रोल प्ले करती है। इट कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, हाईलाइट्स इट्स फेलियर्स, फोर्स इट टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस दैट इट हैज डन इन इट्स मैनिफेस्टो। आपने बहुत बार सुनी होगी न्यूज में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो कहते उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपने ये वाला प्रॉमिस किया था बट यू हैव नॉट फुलफिल दिस प्रॉमिस। ओपोजिशन पार्टी हमेशा हाईलाइट्स द फेलियर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, फोर्स इट टू फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस दैट इट हैज डन इन इट्स मैनिफेस्टो। तो इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टीज देखो आप कैसे कैसे रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंजेस को कैसे कैसे फेस करने पड़ते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताओगे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसमें आप बता दोगे। कई बार सीधा ही क्वेश्चन देते होते हैं, राइट नोट ऑन लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इतना सा तीन नंबर में पूछ लेते होते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी आपको अपने आप दिखने को मिलेगी पार्टीज में, इंडिया में तो है ही है, यूएसए में नहीं है। यूएसए में कैंडिडेट को सिलेक्ट करने से पहले इंटरनल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, वेयर एज इन इंडिया कभी सुना कि पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस हो रहे हैं? नो, पार्टी कभी भी अपने इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाती। टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं दे सिलेक्ट द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, उनकी अपनी मर्जी होती है जिसको मर्जी बना दो। बाकी मेंबर्स जो होते हैं दे डू नॉट नो अबाउट द डिसीजंस टेकन बाय टॉप पार्टी लीडर्स, उनको पता ही नहीं होता कि क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। टॉप पार्टी लीडर्स का ही रोल होता है इंडिया में मेन। तो इन दिस वे वी कैन से कि डेमोक्रेसी में तो सबके डिसीजन लेने चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे तो टॉप पार्टी लीडर्स ही सब कुछ कर ही जा रहे हैं एंड टॉप पार्टी लीडर्स सिलेक्ट द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो इंडिया में कभी भी इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते। इन दिस वे वी कैन से देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी कभी भी अपने इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाती, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे डायनास्टिक सक्सेशन, ये सब नाइन्थ में पढ़ा होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में, सब कुछ किया होना चाहिए आपको, पढ़ा हुआ है सब कुछ। डायनास्टिक सक्सेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया था नाइन्थ में, तो उसी का पार्ट है ये। नेक्स्ट इज डायनास्टिक सक्सेशन, इसमें हम बताएंगे कि पार्टी गिव चांस टू इट्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स टू कम टू पावर। आप नोट करो, वी कांट नेम द पार्टीज, पार्टी के नाम नहीं हम ले सकते। अब अपने आप ध्यान में लेके आओ कि पार्टी, अपने आप सोचो कि कौन सी पार्टी में फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ही आप आ रहे हैं, अपने आप सोच के देखो आपको पता चल जाएगा। वी कांट नेम द पार्टी हियर, ठीक है। तो पार्टी ऑलवेज गिव चांस टू इट्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स टू कम टू पावर, though they are not capable, not deserving, no knowledge about politics. Candidates who are having proper knowledge about politics, who are deserving, honest, they cannot come to power only because of lack of resources. जो deserving होते हैं, capable होते हैं, honest होते हैं, उनको power में आने का chance नहीं मिलता due to lack of resources. तो इस वजह से एक तो ये डायनास्टिक सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट, नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। दीज डेज मैनिफेस्टोज ऑफ ऑल द पार्टीज आर सेम, मैंने अभी बताया था मैनिफेस्टो इज द बुकलेट इन विच पार्टी गिव इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड इशू इट बिफोर इलेक्शंस। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, सारी पार्टीज के मैनिफेस्टो सेम आ रहे हैं, हर कोई दी बेस्ट करने के प्रोमिसेस करता है, हर कोई अपना बेस्ट टू बेस्ट मैनिफेस्टो बनाता है क्योंकि वही मैनिफेस्टो देख के वोटर वोट डालते हैं। तो आज की डेट में मैनिफेस्टोज ऑफ ऑल द पार्टीज आर सेम, सो ड्यू टू दीज रीजंस वोटर्स गेट कंफ्यूज्ड, वोटर्स को पता ही नहीं चलता वो किसकी फेवर में वोट डाल ले क्योंकि मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पार्टीज आर सेम। नेक्स्ट, अदर चैलेंज हम कहेंगे मनी एंड मसल पावर। पार्टीज का मेन एम होता है जीतना, बस मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू विन द इलेक्शन।
एंड फॉर दैट इट यूज मनी एंड मसल पावर. मनी रिश्वत देते हैं, वोटर्स को रिश्वत दी जाती है, कई बार थ्रेट किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है. तो इस वजह से पार्टी यूज कैंडिडेट्स यूज मनी एंड मसल पावर व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स. पार्टीज गिव चांस टू रिच एंड आप कहोगे कि रिच एंड क्रिमिनल को चांस दिए जाते हैं, रिच को चांस दिए जाते हैं ताकि ये लोग रिश्वत से या फिर थ्रेट करके वोट अपनी फेवर में ले जाए. लॉयन ऑफ पंजाब मूवी इसीलिए मैं कहती होती हूँ जरूर अब जरूर देख लेना जब टाइम मिले तो देख लेना. उसमें आपको प्रॉपर दिखाया हुआ है बूथ कैप्चरिंग, ये सारा आपको मनी मसल पावर उसमें आपको देखने को मिलेगी. तो पार्टी यूज मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शंस. नेक्स्ट डिफेक्शन. व्हाट इज डिफेक्शन? ये तो अभी भी आप न्यूज सुनो तो आपको ये सब कुछ आपको आपको सुनने को मिल रहा होगा ये सब कुछ. डिफेक्शन चल रही है. डिफेक्शन होता क्या? समटाइम्स पॉलिटिकल लीडर्स कैंडिडेट्स चेंज देयर पार्टी आफ्टर इलेक्शन फॉर कैश रिवॉर्ड और टू गेट पावर. कई बार कुछ कैंडिडेट्स पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अपनी पार्टी चेंज करने से या तो कैश रिवॉर्ड के लिए या फिर हायर पोजीशन लेने के लिए दे चेंज देयर पार्टी पार्टी चेंज करते हैं. So this is called defection. Our so many politicians are indulged in defection. Our government has passed anti-defection law. Anti-defection law pass ho chuka hai. Now candidates are not allowed to change their party. Why this law defection came down but defection is still going on. Abhi bhi defection chali ja rahi hai, down ja chuki hai, itna ab change nahi karte parties. बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन कि अभी भी फॉलो हो रही है डिफेक्शन अभी भी चल रही है. स्टिल कैंडिडेट्स आर चेंजिंग देयर पार्टी अभी भी वो अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी. ये चैलेंजेस हैं. फिर आपको उन्होंने पूछना है कि नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उनकी आइडियोलॉजी पूछ लेनी है. वो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी देख के कहते हैं राइट द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस. आपको पहले तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज पता होनी चाहिए. नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस INC. उसी में स्प्लिट होके बनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में. वो पार्टी टू पार्ट्स में टूट गई. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन गई जो कि शरद पवार वाली पार्टी है महाराष्ट्र में. फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी. फिर BSP बहुजन समाज पार्टी. फिर आ जाती है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. फिर आती है CPI में स्प्लिट हुआ तो बन गई CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. कार्ल मार्क्स 9th में पढ़ा होगा. कार्ल मार्क्स सोशलिज्म इन रशिया पढ़ा तो कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा. तो CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक अभी नई आई है. वो बुक्स में नहीं आई पार्टी. बहुत ज्यादा नई भी नहीं मैं बोलूंगी. 2016 में वो आ चुकी थी. वो थी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी. तृणमूल कांग्रेस नेशनलिस्ट बन चुकी है. इसको भी हमने करना है. दो इट्स नॉट गिवन इन द बुक बट हमने इसको करना है. आइडियोलॉजी हो किसी भी एक पार्टी की आपसे आइडियोलॉजी पूछी जानी है. सेवन पार्टीज मैंने बोली है. सेवन में से किसी एक की आइडियोलॉजी पेपर में पूछ लेते हैं. अब अभी मैंने एक बात बोली कि मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी आर सेम. ठीक है. सो इट मींस आइडियोलॉजी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हम कहेंगे सेम. देयर इज नो डिफरेंस. इट मींस आपको किसी की भी आइडियोलॉजी आए यू हैव टू लर्न सेम पॉइंट्स. यू कैन राइट सेम पॉइंट्स इन ऑल. किसी की भी आते आपको कुछ लेना देना नहीं है. बट एक चीज डिफरेंट होएगी जो कि आपको पूरे नंबर दिल पाएगी. वो होगी पार्टी का सिंबल, कैंडिडेट का नेम, लीडर का नेम, लीडर ऑफ द पार्टी उसका नाम लिखोगे, पार्टी का सिंबल लिखो. पार्टी का सिंबल थोड़ा सेम होएगा, लीडर थोड़ा सेम होएगा. आप पहले तो ये बताओगे, फिर आप ये बता दोगे. एक एक पॉइंट सबका अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ BSP बहुजन समाज पार्टी. वर्क
दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द दलित्स. तो ये दलित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में वर्ड आना चाहिए, दलित वर्ड. अब मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल लूँ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसके लिए आपको याद रखना ये पार्टी पीजेंट्स वर्कर्स के लिए वर्क करती है. किसके लिए वर्क करती है? पीजेंट्स एंड वर्कर्स, पीजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए वर्क करती है दिस पार्टी. ठीक है, अगर सीपीआई एम आई तो सेम है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो था, लेनिन एंड कार्ल मार्क्स, ये लेनिन एंड कार्ल मार्क्स के व्यूज को लेकर चलती है सीपीआई सीपीआईएम. लेनिन आपने पढ़ा है, तो लेनिन किसके व्यूज को लेकर चलता है, किसके लिए वर्क करता था? पीजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए. तो कार्ल मार्क्स पीजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए, तो इट मींस ये पार्टी पीजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए वर्क करती है. आप बीएसपी में पीजेंट्स एंड वर्कर्स आप नहीं लिखोगे, दलित आप सीपीआई में नहीं लिखोगे, है ना. तो इस वजह से आपका एक एक पॉइंट तो हर एक का सेपरेट हो जाना है. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सोनिया गांधी वाली है, उसमें आप बताओगे वर्क्स फॉर वीकर सेक्शन, वो तो सब में चलेगा. बीजेपी में आप जम्मू एंड कश्मीर का पॉइंट लिखोगे, ठीक है, वो किसी और में नहीं आप लिख सकते. फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, उसमें और कांग्रेस में क्या फर्क है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. नेशनलिस्ट कांग्रेस क्यों सप्लिट हुआ? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी फॉरेन ओरिजिन का पर्सन पावर में आए. नेशनलिस्ट पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी इज ऑन द व्यू दैट इन इंडिया हायर पोजीशंस, हायर ऑफिसेस शुड बी गिवन ओनली टू द इंडियन बॉर्न सिटीजन्स. फॉरेन ओरिजिन के पर्सन को हायर पोजीशंस नहीं देनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ ये पार्टी एक हिसाब से सोनिया गांधी के अगेंस्ट है, क्योंकि सोनिया गांधी इटली की है. तो इस पार्टी को था कि कहीं भी सोनिया गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए. तभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, बिकॉज देयर वाज सप्लिट, पार्टी में सप्लिट हो गया था कि फॉरेन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में हायर पोजिशन पे नहीं आ सकता. अगर हायर पोजिशन पे लाना है तो इंडियन बॉर्न सिटीजन को राइट दो, ना कि किसी फॉरेन ओरिजिन के पर्सन को. तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का आप ये पॉइंट डिफरेंट लिखो, क्योंकि इसको अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में लिखोगे तो यू विल गेट जीरो फॉर दैट, क्योंकि वो तो उसकी आइडियोलॉजी में आता ही नहीं है, ठीक है ना. बाकी आपकी आइडियोलॉजी, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स कॉमन करवाऊंगी, एक एक पॉइंट आपको अंडरलाइन करवा के करवाया जाएगा कि डू इट, ये मेन है हर पार्टी का एक एक पॉइंट, ठीक है. बीएसपी का पता चल गया, दलित, सीपीआई सीपीआईएम, पीजेंट्स एंड वर्कर्स, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आप बताओगे कि फॉरेन रीजन को पावर नहीं देनी किसी भी पर्सन को. फिर आपकी बीजेपी, उसमें आप ये लिख सकते हो जैसे कि ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पॉइंट. तो इस वजह से बाकी आइडियोलॉजी सबकी कॉमन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो वर्क पार्टी वर्क्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो हर कोई करती है. वर्क्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर कोई करता है, ठीक है. प्रमोट सेक्युलरिज्म, हर कोई सेक्युलरिज्म को ही प्रमोट करता है. इंडिया में है ही, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री ना, क्योंकि इंडिया में हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है. इंडिया में एक रिलीजन तो है नहीं है, ऑल रिलीजन इन इंडिया आर ट्रीटेड इक्वली. तो हर पार्टी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है. हर पार्टी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट है. कोई चाहेगा दोबारा कोई फॉरेन पावर आए इंडिया में? हर पार्टी डेमोक्रेसी की फेवर में है, पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेसी की फेवर में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी की फेवर में है. प्रमोट सेक्युलरिज्म, अगेंस्ट इंपीरियलिज्म. वर्क्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द, आप कहोगे वर्क्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये ऐसे वाले पॉइंट सब में चलेंगे, ठीक है. तो इतने पांच पॉइंट यू हैव टू राइट, एक पॉइंट आप सेपरेट रखोगे, इनमें से कोई भी चार पॉइंट लिख के आपका क्वेश्चन बन जाएगा राइट द आइडियोलॉजी ऑफ पोलिटिकल पार्टी. बट यू हैव टू लर्न द लीडर्स ऑफ ऑल द पार्टी, सबके लीडर्स सबके सिंबल्स यू हैव टू लर्न. इन दिस चैप्टर वन मैप इज गिवन, ठीक है. जब आपको टाइम मिले उस मैप में, मैप नहीं आना, सिविक्स में से मैप नहीं आता, आपको सिर्फ उसमें से मैप में से क्वेश्चंस आने हैं, क्वेश्चन आते हैं और कितनी बार आ चुके हैं उसमें. पॉलिटिकल पार्टीज विद सिंबल्स विद स्टेट दी हुई है, जैसे लोकदल हरियाणा की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी विद स्टेट विद सिंबल्स आपको वहां से लर्न करने हैं. आपको एक रजिस्टर लगाना है जिसमें आप मैप वाले क्वेश्चन खुद बनाओगे अपने, ये वाली पार्टी स्टेट किया, ये वाली पार्टी स्टेट किया, इसका ये सिंबल है. क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन एक बार 5 नंबर का सीधा यही क्वेश्चन आया था मैप में से,
ऊपर कुछ पार्टीज के नाम दे दिए उन्होंने और साथ में कह दिया राइट द लीडर एंड सिंबल ऑफ दिस पार्टी। सिंबल एंड लीडर आपको लिखवाना उन्होंने, तो इसलिए आपको वो मैप से खुद फ्रेम करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक आप पढ़ोगे पार्टी सेंटशिप वर्ड, पार्टी सेंटशिप, पार्टी सेंटशिप मोस्टली आपके पेरेंट्स में होगी। पार्टी सेंटशिप क्या होता है? पर्सन स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू वन पार्टी। जैसे आपके पेरेंट्स किसी एक पार्टी को लेके काफी सालों से लॉयल है, एक ही पार्टी को, एक ही पार्टी की फेवर में चले आ रहे हैं काफी सालों से, इट मीन्स उनमें पार्टी सेंटशिप है, ठीक है। पर्सन स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू वन पार्टी, जैसे कोई बीजेपी को लेके लॉयल है, कोई कांग्रेस को, कोई बीएसपी, कोई सीपीआई, सीपीआईएम, अपनी अपनी हर एक की होती है। तो इस वजह से तो एक तो आप इसमें पार्टी सेंटशिप पढ़ोगे, डिफेक्शन पढ़ोगे। नेक्स्ट, हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टी, ये लास्ट टॉपिक आता होता है कि कैसे रिफॉर्म्स लाओगे, क्योंकि हमने खुद ही कहा देयर आर सो पार्टीज हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, तो इसको ठीक कैसे करना। हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म, सबसे पहले तो वोटर्स शुड बी अवेयर, वोटर्स अवेयर हो जाए। वोटर्स कैसे अवेयर हो सकते हैं? दे शुड नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट, क्योंकि इंडिया में वोटिंग ही 100% नहीं है। ओनली अभी भी अगर हम देखें तो 82-85%, मैंने वैसे ज्यादा ही बोल दिया, 85% भी नहीं होती, पहले तो 70-75% तक वोटिंग होती थी इंडिया में। अगर हम कहें चलो इस बार 80% हुई, इट मीन्स 20% पीपल हैव नॉट कास्टेड देयर वोट। इट जो रिप्रेजेंटेटिव रूल कर रहे हैं उन्हें 20% लोगों ने तो इलेक्ट ही नहीं किया, तो दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, वो तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हुए ही नहीं, बिकॉज 20% पीपल हैड नॉट कास्टेड देयर वोट, उन्होंने तो वोट ही नहीं डाली, तो हम कैसे कहेंगे ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं जो रूल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वोटर शुड नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट। ड्यूरिंग इलेक्शन मनी मसल पावर नहीं होनी चाहिए, जो जो आपको चैलेंजेस में आपने किया, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं फॉलो करना चाहिए। देयर शुड बी इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टीज को इलेक्शन कंडक्ट करके फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। टॉप पार्टी लीडर्स को दूसरे मेंबर्स के साथ सारी अपना कंसल्ट करके डिसीजन लेने चाहिए। तो इस वजह से आप बता सकते हो कि पार्टीज में, और इलेक्शन कमीशन को भी केयरफुल रहना चाहिए, रिगिंग नहीं होनी चाहिए। रिगिंग वर्ड पढ़ा है ना 9th में, रिगिंग मीन्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिगिंग वर्ड तो मेन था, रिगिंग मीन्स फ्रॉड। रिगिंग नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शन, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, बूट कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए, रिगिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिफेक्शन, जो लीडर डिफेक्शन में इंडल्ज हैं उनको पावर में नहीं लाना चाहिए। तो इट मीन्स ये सब कुछ अगर होएगा, वोटर्स अवेयर हो जाएंगे, गवर्नमेंट अपना अच्छा रोल प्ले करेगी, पॉलिटिकल पार्टी भी अगर अपना अच्छा रोल प्ले करेगी। कैसे पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रोल प्ले करना, उसे इंटरनल इलेक्शन करवाने हैं, उसे डायनेस्टिक सक्सेशन को फॉलो ही नहीं करना, मनी एंड मसल पावर यूज, नॉन सीरियस कैंडिडेट को लाओ ही नहीं पावर में, डोंट गिव चांस टू नॉन सीरियस कैंडिडेट, उसको पावर में ही लाओ, डिजर्विंग कैंडिडेट को पावर में लाओ, ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को पावर में लाओ, तो अपने आप रिफॉर्म्स कैन बी अकर्ड इन द पॉलिटिक्स। तो अपने आप हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म हो जाएंगे अगर हमारी पार्टीज, वोटर्स, गवर्नमेंट मिलके रोल प्ले करेंगे, इलेक्शन कमीशन मिलके रोल प्ले करेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे नेशनल एंड रीजनल पार्टीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ अकाली पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, ये कौन सी पार्टी है? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज दिस पार्टी वर्क फॉर पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज पंजाब। अगर मैं बोलूँ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी मैंने जितनी पहले पार्टीज बोली हैं मैंने सारी नेशनलिस्ट बोली हैं। नेशनलिस्ट आपको पूरी कंट्री में मिलेंगी, उनके सिंबल्स आपको पूरी कंट्री में मिलेंगे। श्रोमणी अकाली दल आप पंजाब से बाहर जाओगे आपको नहीं मिलेगी, आप साउथ इंडियन स्टेट्स में जाओ वहां पे श्रोमणी अकाली दल आपको नहीं मिलेगी, डीएमके नहीं मिलेगी, ठीक है, डीएमके, अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी नहीं मिलेगी आपको, आपके पंजाब में नहीं है ये पार्टीज। लोकदल हरियाणा की है। तो दीज आर द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। पेपर में पूछते होते राइट द डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो रीजनल एक स्टेट के लिए वर्क करेगी, पर्टिकुलर स्टेट के लिए वर्क करेगी, नेशनल पूरी कंट्री के लिए वर्क करेगी। रीजनल का सिंबल हमें पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगा, नेशनल का सिंबल हमें थ्रू आउट द कंट्री मिलेगा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हाईलाइट्स द इशूज ऑफ स्टेट, वेयर एज नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हाईलाइट्स द इशूज ऑफ द कंट्री।
रीजनल अपने कल्चर को अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेगी। पंजाब में रहकर पंजाबी कंपल्सरी योर स्कूल ना, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को प्रमोट करती है। नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कल्चर को प्रमोट करेगी, नेशनलिस्ट लैंग्वेज नेशनल कल्चर। मोस्टली देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिंदी में वर्क करती है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो स्टेट्स अपनी स्टेट लैंग्वेज में वर्क करती है विद इंग्लिश, यू नो इट वेरी वेल, यू हैव डन इन फेडरलिज्म। तो ये सारा आपका पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर का मैंने आउटलाइंस बताई हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, बस यही आपका पूरा लेसन बनेगा कि व्हाट इज पार्टी, राइट इट्स फंक्शन, राइट द चैलेंजेस, हाउ टू राइट द रेमेडीज या हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। फिर आपके क्वेश्चन वन पार्टी सिस्टम पे नोट लिखो, बाई पार्टी पे लिखो, मल्टी पार्टी पे लिखो, विच इज द बेस्ट। बेस्ट तो अब आप किसी को नहीं कहोगे, नहीं ना कहोगे किसी को भी, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पार्टी क्यों चाहिए, ठीक है। तो विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो शॉर्ट डिफेक्शन मैनिफेस्टो, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंड रीजनल को डिफ्रेंशिएट करो,